सही है। अपने दौड़ से पहले जैसे बेंचो युद्ध पे जा रहा हो पूरे कपड़ों का प्रॉपर ध्यान रखो, इसमें ट्रैक सूट पहनो, ट्रैक सूट के अंदर भांग बोफड़े पहनो। क्या है ये ट्रैक सूट के पहनो बच्चे? पर सर कौन सा कोट पहने की दौड़ में बढ़िया रहे? अरे बावली गांड, कोट पहन के दौड़ करेगा? अरे कोट पूरा चेन बंद करने के बाद यहाँ से भागते कमर से नहीं खींचता? सबसे ट्रैक सूट पहन के देख लो तकलीफ होगी, और ऐसा नंगे बदन दौड़ा करो। बनिया तुम्हारा वीडियो सर। अब मजा आ गया सर। अब बेटा बैठ जाओ, अब तुम्हारे लिए पढ़ने चल दो बस। बोलो भारत माता की। आज वीडियो नहीं बना रहे थे, ये हमारा सेकंड ग्राउंड है, लेकिन ये कह रहे हैं गुरुजी ये सर्दियों में बताया जाता है कि वर्कआउट बढ़ाओ, वर्कआउट वर्कआउट बढ़ाओ, रात को 12 बजे से लग जाए। सही है रे? अब सर्दियों में आपको बताया जाता है ठंड में कैसे दौड़े, बर्फ गिर रही है तो कैसे दौड़े, धूर में कैसे दौड़े। अबे दौड़ना कैसे? दौड़ का सीधा सा सिस्टम है, पीछे वाला पैर उठाओ और आगे रखो। दौड़ में कोई और है मीन में? अब सर्दियों में ऐसा है कि तुम दौड़ने से पहले 4 कंबल डाल लिए ऊपर, 5-6 ट्रैक सूट पहन लिए, कनपट्टा बांध लिया दबा के, ऐसे करोगे सर्दियों में दौड़ी। और फिर बोले वर्कआउट बढ़ाओ, वर्कआउट क्या गांड बढ़ाओ, शरीर में वजन तो बढ़ा लिया 10 किलो, वो गिरे दौड़। अभी यहाँ तुम्हारा हाथ है, कोट तुमने मोटा पहन रखा है, ट्रैक सूट पहन लिए, अंदर टी शर्ट पहन ली, स्वेटर पहन ली, हाथ यहाँ चल रहा है। अरे दादो साहब की तरह तो हाथ चल रहा है तेरा, और तो क्या वर्कआउट कर रहा हूँ। ऐसा है ग्राउंड पे बैठे रहते हो तब तक कपड़े पहन के रखो, सही है? और जैसे ही दौड़ने का टाइम आए सिंपल एक टी शर्ट में आपको रहना है, काय में रहना है, एक टी शर्ट में आपका जो पजामा है वो, और दिल से बोल दो गर्मियों का सीजन है, उतारे कपड़े और बैठ जाओ। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट यही सर्दियों का तरीका है। दूसरा बात रही वर्कआउट बढ़ाओ, तो वर्कआउट मत बढ़ाओ, अपना शेड्यूल जो है वो थोड़ा चेंज करो, उसको थोड़ा टफ करो, जिसमें पसीना निकलता हो वो वाली एक्सरसाइज करो। सही है? ऐसे टांगड़े पूंछड़े ऊपर नीचे कर लिए, हो गया हार्ड वर्कआउट, के घंटा हो गया शरीर पे पसीने की बूंद तक नहीं आई। यहाँ आके देखो तुम्हें बताया वर्कआउट किसे बोलते हैं? ये हल्का हल्का ये कर लो, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग है वो करते हैं ये एक्सरसाइज। ग्राउंड को कर दिया 390 का, ग्राउंड को कर दिया 380 का, 330 का, किसी ने 3 फुट का ट्रैक बना दिया, दोनों साइड दीवार खींच दी, दौड़ो। यहाँ हर एक एकेडमी का बंदा बैठा है, सारे ग्राउंडों का ब्यौरा है, तो यार कम से कम गाइड कर रहे हो किसी को तो उसको थोड़ा ढंग से बताओ। ये पैर पकड़ के पूरा खींच लो, पूरा खींच लो, अरे कितना खींचेगा, अंदर घुसेगा? या तो तुम्हें नॉलेज नहीं है कि आर्मी की 1600 मीटर की कैसे तैयारी होती है, कोई 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेस हो तो चलो समझ में भी आता है, इसमें है कितनी दौड़, 2 एंड स्टॉप, पता लगता है 1600 मीटर दौड़ करते हुए? अब इसमें तुम्हें 4 महीने में ये अंजीर खा लो, वो अंजीर कहाँ बेटा है, वो अंजीर बोल आ रहा है बेटा, खड़ो अंजीर बंद करके, डाइट बंद करके, अब लग रहा है कुछ वर्कआउट हो रहा है, पैरों पे फील हुआ? और इतने दिन क्या होता था, इतने दिन पता ही नहीं चलता था। ये देखो ताकत की तुमने चीजें खा ली अंदर, वर्कआउट कर नहीं रहे हो तो क्या घंटा बचेगी सुबह लेटरिंग में सब बार, और शरीर फाटा जा रहा है इसका। हाथ देखो बहन, यहाँ पे दरारें आ रही है, दरारें नहीं आ रही इसका, टांगों पे हाथों पे दरारें आ रही है, व्हाइट व्हाइट कलर की, शरीर फाटने को तैयार है, ताकत साली फाट के निकलने को तैयार है। यार सो एक चीज देखो, तुम कई बार इंजेक्शन ले लेते हो, आप 1000 केले खा रहे हो तब जो एनर्जी तुम में आ रही है वो एक इंजेक्शन में है, वो तुम्हारे पिछवाड़े में ठोक दिया, अब वो 1000 केलों की एनर्जी तुम्हें एक दिन में मिल रही है क्या घंटा पचा पाओगे? पचा लोगे? वो जो इंजेक्शन होते हैं वो डॉक्टर उस वक्त मरीज को देता है जब बात आर पार की रहती है कि क्या तो बेटा जिंदा रहेगा करके मरेगा, उस समय वो इंजेक्शन देते हैं, तुम वो घुसेड़ घुसेड़ के अपने हार्मोन छिड़वा लेते हो और फिर रोते फिरते हो, जुकाम हो जाती है ना वो, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओगे जब तक इंजेक्शन का नाम नहीं बताओगे तब तक तो ठीक नहीं होगी तुम्हारी, अपनी जिंदगी झंड मत करो। और सर्दियों का एक ही रूल है, अपनी जो टी शर्ट है, जो पजामा है, जो आपका लोअर है, उसमें रनिंग करो और दिल खोल के रनिंग करो अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो। हाँ राजस्थान पुलिस की है, आपकी BSF की दौड़ है, 5 किलोमीटर की है, तो आराम से रजाई ओढ़ के दौड़ो, सही है? अरे इसमें यार 1600 मीटर तो 5 मिनट साला टाइम नहीं मिलता पूरा सा, इसमें कोट संभाले दौड़ संभाले। अब यह कहते हैं गुरु जी रोज कपड़े उतरा देते हो,
बस किसको लग रहा है ठंड, इधर आ ले गरम करूं, इधर आ गरम करूं तेरे को, लगवाऊं बैठ जाओ। और मौसम कौन सा है, कौन सा मौसम है, और जब ये नहीं मर रहे सर्दी से तो तुम भी नहीं मरोगे, इस बात की गारंटी है, सही है। और कम से कम सर्दियों में 2 घंटे कोट पहन के बैठे रहा करो, सर्दी में कुछ नहीं होगा। ये जो बोल देते हैं, ये क्या बता दिया, सर्दियों में नंगे बदन दौड़, ओ माय गॉड क्या हो गया। कभी दिल्ली गए हो, दिल्ली हरियाणा साइड में देखना, लोंडे ठंडे पानी से नहा नहा के रनिंग करते रहते हैं सर्दियों में, जिसमें बेंचो एकदम दूर रहती है ना, देखा होगा बॉर्डर पे जाते हैं, नहीं करते दौड़े, चला नंगे बदन अंडरवेयर में, वो भी पानी चल रहा है ऊपर शरीर पे, लिया 4 राउंड फिर लिया 4 राउंड। अरे तुमने क्या घंटा फिजिकल देखा है, घर में 4 दीवारी में बैठ गए, ये है वो फलाना है वो ढिमका है, कभी असली जिंदगी में अगर तुमने वर्कआउट किया होता ना तो ये चूतिया बंदी की बातें नहीं करते, सही है। अपने दौड़ से पहले जैसे बेंचो युद्ध पे जा रहा हो, पूरे कपड़ों का प्रॉपर ध्यान रखो, इसमें ट्रैक सूट पहनो, ट्रैक सूट के अंदर भांग बोफड़े पहनो, क्या है ये ट्रैक सूट के पहनो बच्चे, पर सर कौन सा कोट पहने की दौड़ में बढ़िया रहे, अरे बावली गांड कोट पहन के दौड़ करेगा, अरे कोट पूरा चेन बंद करने के बाद यहाँ से भागते कमर से नहीं खींचता, सबसे ट्रैक सूट पहन के देख लो तकलीफ होगी, और ऐसा नंगे बदन दौड़ा करो, बनिया तुम्हारा वीडियो, अब मजा आ गया, अब बेटा बैठ जाओ, अब तुम्हारे लिए टिप्पणी नहीं चल रही।